हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे सबको पता ही है कि मैंने KTM 390 एडवेंचर ले लिया है, लेकिन अभी मेरे को न्यू राइडिंग पैंट्स, न्यू राइडिंग शूज़, हेलमेट, ग्लव्स ये सब लेने का है। तो आज वही प्लान है, आज हम शॉपिंग करने जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को एक ब्लैक कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे 4 घंटे एक्टिव रहने हैं। एक्चुअली जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं वो 300 किलोमीटर दूर है, लोकल कहीं नहीं मिलता। चलो भाई, रेडी टू लीव, लेके भगवान का नाम निकलते हैं, इसकी माँ का। हम लोग इसमें जा रहे हैं, शिट यार, मेरे को ऐसे क्या आज हम XUV में जाने वाले हैं। ये कौन सी गाड़ी लेके आ गए भाई, टाटा पंच यार, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग इस कार में जा रहे हैं। डैम, चलो भगवान का नाम लेके हम लोग ये गाड़ी में निकलते हैं और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, थकान कितनी होती है 300 किलोमीटर जाने में, और फिर वापस भी तो आना है। सो मे बी विल कम बैक सेम डे। हाँ, सीट एडजस्टमेंट किया जाए। ओके, तो हम लोग फाइनली 80-90 किलोमीटर आउट ऑफ द सिटी आ गए हैं। मैंने सोचा व्लॉगिंग करता हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन आज ट्रैफिक इतना है धनतेरस और दिवाली को लेके, या कार और ट्रकें बहुत सारी रास्ते मिल रही है अब तक। इनफैक्ट अभी भी ट्रैफिक काफ़ी है और यू नो 100 के ऊपर चलाने का मौका ही नहीं मिला है। खैर, मैं ये सोचा था कि टाटा पंच के बारे में कुछ बोला जाए। गुड पॉइंट इज इसका सस्पेंशन, वेरी गुड, स्मूथ, वेरी स्मूथ टू ड्राइव दिस कार। ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी गुड, बट पावर डाउन, बॉस पावर बहुत लैक करता है। अगर जो गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो यू हैव टू ड्रॉप डाउन 2 गियर्स, यू नो, 2 गियर नीचे आना पड़ता है किसको ओवरटेक करना हो। तो आप देख ही सकते हो, मैं भी सूरजबारी ब्रिज पे हूँ और कंफर्टेबिलिटी 50-50 है। ओके, इतना भी कंफर्ट जोन नहीं है इस कार में। इनफैक्ट कहा जाए तो ड्राइविंग में थोड़ा बोर हो रहा है, बट द कार इज नॉट बोरिंग, बट यस, ड्राइविंग इन दिस कार इज बोरिंग। तो खैर, अभी एक ब्रेक लेंगे आगे छोटा सा कॉफ़ी के लिए, 100-120 किलोमीटर्स हो जाएंगे, तो एक छोटा कॉफ़ी ब्रेक, वॉशरूम, पानी का बॉटल लेंगे और फिर रुकेंगे डायरेक्ट अहमदाबाद फॉर, नहीं, पहले लंच करने जाएंगे और फिर अपना, फिर अपने बूट्स और वो सब शॉपिंग करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको डायरेक्टली अहमदाबाद में। चलो भाई, फाइनली अहमदाबाद पहुंच गए। एक ट्रैफिक जाम से निकले तो दूसरे ट्रैफिक जाम में अटक गए। अभी जा रहे हैं हम खाने को, बारबेक्यू नेशन, और वो आने में भी एटलीस्ट 10 मिनट और लगेगा इस ट्रैफिक में, या 15 मिनट, क्या बोलती है, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। चलो भाई, एक्सपीरियंस इंसान जो यहाँ पे 2-3 साल काट चुका है वो बोल रहा है 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट वेट करते रहो खाने के लिए। एक्चुअली सहा नहीं जा रहा, भूख बहुत लग रही है ड्राइव करके, खाली पेट, और हम ऐसा दबा के खाएंगे, वीडियो नहीं निकालेंगे। लेकिन चलो भाई, हम पहुँच गए, कार जा रही है वैले में और हम चले बारबेक्यू नेशन, फर्स्ट फ्लोर। आगे से सीढ़ी है और बाय द वे यहाँ से मैंने माइक निकाल दिया है, क्योंकि माइक कितना यार कैरी करना, इसलिए साउंड ज़रा, यू नो, बाजू की भी, हवा की भी, सब आने वाला है एकदम फाड़। जब मैं पहली बार लिफ्ट में गया था ना, यहाँ से खुला था, अंदर चला गया और घूम के खड़ा हूँ और पीछे से दरवाज़ा खुला, ऐसा कटा मेरा, यहाँ से खुला, मैं खड़ा हूँ और वो पीछे से खुल गया था। खुशी देखा, खुशी तेरी खाने की, ये लगा दिया खाना किधर है, ये तो गाने चल रहे बैकग्राउंड में, प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं मैडम को, खुशी देख रहे हो मोटी के चेहरे पर, मोटी के चेहरे पे खुशी देख रहे हो। ये क्या लाया? प्रॉन्स लाया। वाह भाई, थैंक यू। देखो भाई, अपना भगवान आ गया। ओके, और मंगा है खाने में नॉन वेज, तो वेज वालों को भाई बुरा मत मानना, अपन प्योर नॉन वेजिटेरियन है। एंड आई एम स्टार्टिंग टू ईट माय फूड, सो कैच यू गाइस आफ्टर आई फिनिश ईटिंग माय फूड्स। बाय। तो भाई, हम लोग का खाना ना खा के हो गया एकदम मस्त, पेट हो गया फुल। अभी हम लोग आए हैं मतलब अभी पहुँचे, अभी जस्ट खाना खा के निकले, ड्राइव करके आए और हम लोग पहुँचे एम रोडीज। लेकिन आपको दिखाने के लिए मेरे को कैमरा करना पड़ेगा स्विच। चलो अंदर चल के देखते हैं।
कि चिंतन भाई है कि नहीं। ये रहे स्टोर के ओनर चंदन भाई, आ जाओ चलो शॉपिंग करते हैं। चलो देखिए ये है इनका कलेक्शन। ओके तो किचन्स मिल जाएगा, हेलमेट्स, हेलमेट्स के तो बहुत वैरायटीज मिल जाएंगे आपको, शूज मालकावा क्या क्या नहीं। ये अच्छा ये भी रखते हो आप, बढ़िया। पैनियर्स, चिंतन हो जा, काफ़ी सालों से ये इंडस्ट्री में है, हेलमेट हमें से मैं 5 साल से जानता हूँ, वरना वैसे आप कितने टाइम से कर रहे हैं? 7 साल हो गया। ओके तो जिगर, शायद मेरे को जिगर और सचिन वो ट्रैम्प में थे, वो पहली बार मेरे को लेकर आए थे यहाँ पे। तो ये सब कलेक्शन है, नया स्टॉक उन्होंने फ़ोन किया था, आने वाला भैया फटाफट आ जाना नेक्स्ट वीक, तो मैं आ गया हूँ। ये सब और न्यू स्टॉक आया है यहाँ पे, जैकेट्स, ग्लव्स, बैग्स, सैडल बैग्स, टैंक बैग्स, सब स्टॉक मिलेगा। चलो अपन अपना अभी शॉपिंग शुरू करते हैं। अभी हेलमेट कौन सा था वो? Thunder 4 SV Black साइज मीडियम लास्ट, दोनों निकालना मुझे ट्राई करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे मेरा बंदाना निकालना पड़ेगा ट्रायल के लिए भी, क्योंकि मैं उसके बगैर हेलमेट्स नहीं पहनता, तो पहले बंदाना इन आउट फ्रॉम द बैग। अच्छा ये अभी साइज कौन सा है? मीडियम एक लार्ज भेज देना प्लीज ट्रायल के लिए, जस्ट इन कंफ्यूज ना हो मेरे को। और एक LS2 मॉड्यूलर, ऐसा दिख रहा है वो? मुझे नहीं दिख रहा, आप दिख ही नहीं रहे। ओके सनवाइजर ठीक है, एक लार्ज दिखा दीजिएगा प्लीज। अच्छा ये है लार्ज, लार्ज ट्राई करता हूँ। लार्ज सही है, कंफर्टेबल है। ये साइज कौन सा है? मीडियम। मीडियम मतलब मीडियम में आपको आ जाएगा 32-34 आएगा। हाँ आएगा ना 32-34। ट्राई करना है नीचे, हमने ले जाना है ट्राई। हाँ हमारा पूरा गोडाउन ट्रायल ही है आपके पूरा। चलो उसको नीचे जाके ट्राई करके आते हैं, आप नहीं आ सकते, बाइक भी ब्लैक और ग्रे है ना। ठीक है चलो ये देखते हैं, एक दो ब्रांड और देखते हैं। ये है रेनॉक्स XL साइज, ये लार्ज है सर। कलर ऑप्शंस किचन देखते हैं। अभी तो पूरा का फैन है। YouTube पे मैडम ऐसा करना पड़ेगा वीडियो, हाँ ऐसा निकालो। ये रेंज में कोई दूसरा ब्रांड यही है, ये है रेनॉक्स का जैकेट XL साइज, ठीक है कंफर्टेबल है, दो पॉकेट्स इधर ब्लैक और पॉकेट्स दो इधर, बढ़िया नॉट बैड। कैसा लग रहा है पीछे? Nice. Stress dumps. Yes. So armor इधर है. Shoulder elbow back. Elbow है. अरे back पे तक तक कर ऐसे खास से. Nice. तो back पे armor है. Chest पे option है. अगर जो आप aristol चाहो तो खरीद के यहाँ पे डाल सकते हो. ये मुझे नहीं डालना. मेरे पास already safety है इतनी सारी सुनो. स्काला का तो इसमें एक ब्लैक कलर ट्राई करते हैं, फिर दोनों में से जो पसंद है वो एक सिलेक्ट करेंगे। इसमें सब कुछ वॉश निकाल दो फट जाएगा। तो जैकेट पहन के किधर राइड पे जाना हो तो आपको वॉश निकाल, हाँ सही में यार। अच्छा ये है ना इधर, ओके
आर्मर है चेस्ट ओके ये चेस्ट आर्मर एल्बो शोल्डर बैक में भी है बैक दो पॉकेट हैं पॉकेट एक पॉकेट इधर एक पॉकेट इधर इधर एक पॉकेट मोबाइल वॉलेट वाटरप्रूफ है तो नो प्रॉब्लम और इधर नहीं है एक साइड ठीक है और ये इसका थर्मल वेयर अंदर जैसे निकाल के तो हो जाएगा और रेन के लिए रेनकोट ऊपर से आता होगा वो तो अलग ही मिलता होगा वैसे भी इसमें साथ में है और इंक्लूसिव तो थर्मल के तो यहाँ से आप जिप देख रहे हैं वो खोलोगे तो पूरा थर्मल निकल जाएगा और ये हो जाएगा पूरा मैश तो गर्मियों में चलाने का त्रास नहीं आएगा एकदम मस्त फील होगा राइडिंग के टाइम इसमें सेफ्टी राइनोस के मुकाबले ज़्यादा है चेस्ट में दिया उसमें अलग से लेना पड़ेगा और ओके तो फाइनली एक्सेल स्काला वेल अच्छा है ना मैं कोई यूट्यूब कोई चैनल नहीं देख के आ रहा हूँ आप बोलोगे मैं ले रहा हूँ वो रिलेशन के हिसाब से ठीक है स्काला मुझे एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगा पहनने में अच्छा लगा तो मैं ये ले रहा हूँ स्काला का एक्सेल जैकेट एक हेलमेट मीडियम लार्ज नहीं नहीं लार्ज वाला कौन सा ब्रांड येलो LS2 लार्ज मॉड्यूलर और एक MT का थंडर 4SV वो मैं अपने लिए लार्ज ले रहा हूँ ब्लैक कलर मैट ब्लैक इंडिया में आया नहीं है है ना इंडिया में नहीं मिलता है मैट ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक मिलता है फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे सब जगह तो उसका कुछ इलाज ढूंढेंगे या तो सेरामिक कोटिंग करा लेंगे हो सकता है कुछ और क्या और ग्लव्स और एक ग्लव्स लिया है वायरेला का जनाब जी की शॉपिंग हो गया आज का आपको एंड में बताऊंगा क्या क्या किया शॉपिंग ठीक है ना अच्छी तरह से डिस्प्ले करें ओके ओके गाइस तो फाइनली घर पहुंच गया हूं कल मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया क्योंकि सचिन भी आ गया था उससे बात करते करते आधा घंटा एक घंटा कैसे निकल गया पता नहीं पड़ा और बाय द टाइम मैं शॉप में जाऊं तब तक तो मेरा सब सामान जो मैंने लिया था वो पैक करके चिंतन भाई ने रेडी कर दिया था क्योंकि उनका भी शॉप क्लोज होने का टाइम हो गया था और फिर यू नो जस्ट वीडियो को वाइंड अप करने के लिए उनको बोल नहीं सकता था कि सब खोलो मुझे वीडियो एंड करना है छुट्टी का टाइम चल रहा है यार उनको भी कुछ कहीं जाना होगा कुछ होगा सो आई डिडंट वांट दैट ट्रबल ओके किसी और के ऊपर तो एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ मैंने फाइनली क्या क्या ले लिया है तो ओके राइडिंग पैंट्स मैंने ट्राई किए लेकिन सच बताता हूँ राइडिंग पैंट्स है ना बहुत त्रास है उसको पहनना निकालना मैंने 3-4 पैंट्स ट्राई किए हालत टाइट हो गई मुझे समझ में नहीं आया तो फिर फाइनली मैंने एंड में जाके ये नी पैंट्स सेफ्टी पैंट्स जो आते हैं सबसे पहले मैंने यही लिए थे और तब से लेके आज तक मैं बस है ये लेकिन पुराना हो गया इसलिए मैंने सोचा कि नया ले लेता हूँ तो एक सेफ्टी के लिए नी सेफ्टी के लिए ये लिया है नी एंड शिन सेफ्टी ओके उसके बाद मैंने लिए ये VR के ग्लव्स राइनो से मुझे इतने खास पसंद नहीं आए इसलिए मैंने ग्लव्स लिए ऑलराइट उसके बाद मैंने लिया है ये जैकेट स्टाल की ओर से तो रेन कवर साथ में आता है इसके ऑलराइट और फिर ये जैकेट है वो तो आपने कल देख लिया था तो ये जैकेट है ओके फिर मैंने लिए हैं 2 हेलमेट ओके एक है ये LS2 का मॉड्यूलर हेलमेट है और ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं है ये मेरे क्लाइंट है डॉक्टर साहब है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है तो उन्होंने बोला था कि तू लेने जा रहा है तो मेरे लिए भी एक हेलमेट लेके आना तो उनके लिए लेकर आया हूँ और ये जो है एक्चुअली वो मेरा है MT का हेलमेट है आपको दिखा देता हूँ जो अभी लेटेस्ट आया है थंडर V4S तो वो है मैं सोचा था लार्ज साइज लूंगा लेकिन मैंने मीडियम लिया क्योंकि मीडियम सही था वो भी कह रहे थे कि थोड़ा अंदर के जो चीक पैड्स है वो लूज हो जाएंगे आगे जाके तो जेट कंप्लीट ब्लैक है कंप्लीट ब्लैक कलर लिया है इसमें एक चीज़ है कि ग्लॉसी है मैट अब तक इंडिया में आया नहीं है फिंगरप्रिंट्स लगते हैं बहुत सारे बट ठीक है उसका कुछ कर देंगे दूसरा रीज़न ब्लैक लेने का मेरा ये था क्योंकि इसके ऊपर क्या है इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले विद रेडियम यू कैन प्ले कुछ डालना चाहो कुछ अपनी डिज़ाइन करना चाहो तो कर सकते हो प्लेन ब्लैक के ऊपर इसलिए मैंने सोचा कि एक ये कलर लूँगा और बस फिलहाल तो इतना ही जो इम्पोर्टेंट था वही लिया अभी पैंट हाँ नहीं रह गया एक शूज़ अभी शूज़ मैंने ट्राई किए वहाँ पे लेकिन मेरे को ओराजो के शूज़ ट्राई किए लेकिन वो अजीब लग रहे थे पहनने में बहुत और दूसरा एक शूज़ हाँ दूसरे स्पोर्ट्स शूज़ थे
स्पोर्ट्स शूज तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है लेकिन वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने फिर मैंने बोला मैं सेम वो शूज़ नहीं लेना चाहता हूँ। तो बस शूज़ का एक शॉपिंग पेंडिंग है, वो हम लोग देखें जब टाइम मिला तब ले लूँगा, या रॉयल एनफील्ड ट्राई करूँगा, या कोई दूसरा कोई ब्रांड मिलता है किधर तो आई विल ट्राई और फिर डिसाइड करूँगा। फिलहाल प्रायोरिटी जो हेलमेट मेरे पास नहीं था, जैकेट मेरे पास नहीं था और नी सेफ्टी नहीं थी मेरे पास, तो वो ले लिया है। हेलमेट नहीं था, यस अगेन, ग्लव्स नहीं थे, तो सब नया ले लिया है, यू नो न्यू बाइक न्यू, अभी ये भी 2-3-4 साल तो चलेगा ही, जस्ट इन केस बीच में चेंज करने का हुआ तो चेंज कर देंगे। फिलहाल ये हेलमेट को डॉक्टर साहब के लिए लिया, उनका फोन आया तो भी लेने आ रहे हैं तो ये भी उनको दे दूंगा। तो नेक्स्ट राइड अभी देखिए, अब तो छुट्टियां हैं, राइड होंगे नहीं होंगे पता नहीं, दिवाली का माहौल है, सब फ्रेंड्स आने वाले हैं तो सब यू नो वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस, बट कभी राइड होगी ये सब न्यू गेस्ट के साथ होने वाली है। तो ये था ब्लॉग आज का, और बस आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आज बीच को आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और यस सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप यू गाइस वांट टू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन यू गाइस टेक केयर, रिमेंबर वन थिंग, इट्स योर लाइफ, लिव इट राइट, लिव इट योर वे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।